आज कोर्ट में क्या हुआ और कल क्या होगा ये समझने के लिए विष्णु जैन जी मेरे साथ हैं। विष्णु जी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत टेक्निकली सारे वकीलों ने ये समझाया कि आज क्या हुआ है और कल क्या होगा। मैं थोड़ा सा, मुझे एक नॉर्मल आदमी के लिए, देखिए मुस्लिम समाज के लोगों ने ये एक इशू रेस किया है मेंटेनेबिलिटी का, कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको प्रायोरिटी पे सुन लिया जाए। हमारा भी यही कह रहा है कि उसको प्रायोरिटी पे सुन लिया जाए, पर जब उसका निस्तारण हो उसको डिसाइड किया जाए, तो साथ साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो भी संज्ञान मिल जाए, इतनी सी बात है। इस पे ही कल कोर्ट एक हियरिंग का प्रोसीजर तय करेगा कि इसकी सुनवाई, इसकी हियरिंग आगे कैसे हो, इतनी सी ही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मतलब कोर्ट ये तय करेगा कि मेंटेनेबल है कि नहीं, ये नहीं करेगा, मेंटेनेबिलिटी पे पहले सुनना है। अच्छा। कि कमीशन पे पहले सुनना है कि एप्लीकेशन पे पहले सुनना है, किस ऑर्डर में सुनवाई होगी, क्रोनोलॉजी तय, हाँ क्रोनोलॉजी तय होगी, आगे का प्रोसीजर तय होगा कि आगे सुनवाई किस आधार, किस हिसाब से होगी, क्या चीज पहले सुनी जाएगी, क्या चीज बाद में सुनी जाएगी। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, पहले क्या हमारी हमारी इतनी सी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से 7/11 की एप्लीकेशन पहले सुन ली जाए और साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट भी संज्ञान में रखी जाए। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहे हैं? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कमीशन की रिपोर्ट संज्ञान में ना रखी जाए। ठीक, थैंक यू। विष्णु जैन साहब को सुना जिन्होंने साफ कहा कि सिर्फ क्रोनोलॉजी तय होगी, ये तय होगा कि आखिर क्या क्या कोर्ट में सुना जाए, क्या नहीं सुना जाए, और सुना जाए तो किस तरीके से, किस कामकाज में सुना जाए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रहने के लिए इस बार।